हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम जानेंगे कि हम जो है नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहली चीज कि जब बात करी जाती है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है स्क्वायर नंबर लिख देते हैं, स्क्वायर रूट नहीं लिखते उसका। जैसे कि अगर मैं कहूँ 5, 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ सो मेरे पास आंसर आएगा 25। सो ये 25 क्या है? ये है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। सो ये जो 25 है ये क्या है? स्क्वायर नंबर, स्क्वायर है किसका? 5 का। अब ये जो 5 है जिसका ये 25 स्क्वायर है, इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट। क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट। अभी किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। मतलब कि 25 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया कि 25 किस नंबर का जो है स्क्वायर है। सो आप देखो, रूट, प्लांट्स में रूट होती है। रूट कहाँ पे होती है? नीचे होती है। सो जब भी रूट हमें फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट, तो वो उस नंबर से, जैसे 25 है, उस नंबर से क्या होगा? स्मॉलर होगा। ओके, अब 5 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 25। बट 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 5। अब यहाँ पे 5 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, बट स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसे 1 टाइम काउंट कर रहे हैं, है ना, रूट करना है। सो इसी कंसेप्ट को हम जो है आगे ध्यान रखेंगे कि 2 टाइम्स जो नंबर है उसको हम जो है 1 टाइम काउंट करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हमें नंबर गिवन है 729। इस नंबर का हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको जब हम एक्सप्रेस करें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, सो वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे? आप देखो, ये है 729। यहाँ पे वंस पे क्या है? 9 है। 9 किसके टेबल में आता है? 3 की टेबल में। अब 3 की टेबल में 729 कब आएगा? सो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड है वो हम ओरली जो है मन में करेंगे कि देखो 3 की टेबल में 6 आता है, कब आता है? 2 पे। जब 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बचा, 1 और 2 क्या बन गया? 12। 12 कब आता है? 4 पे। और 9 आ गया 3 पे। अब यहाँ पे जो ये नंबर है ना 3, ये क्या है? प्राइम नंबर है, है ना। प्राइम नंबर्स मतलब कि वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ, मतलब कि वो सेम नंबर। और किसी टेबल में तो 3 नहीं आता, 1 एंड 3, ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए, तो 3 क्या है? प्राइम नंबर। हमें बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। अब 243 है, फिर 3 की टेबल में आता है। 24 कब आता है? 8 पे। 3 आता है 1 पे। अब 81 फिर 3 की टेबल में आता है, कब आता है? 27 पे। अब 27 फिर 3 की टेबल में आता है, कब आता है? 9 पे। अब 9 3 की टेबल में आता है, कब आता है? 3 पे। और 3 की टेबल में आता है और आ गया 1। अब हमने एक 729, ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको अगर हम अगर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 इस, मतलब कि हमने क्या किया कि प्राइम फैक्टर्स का जो है प्रोडक्ट के रूप में जो है इसे जो है हमने इस नंबर को जो है एक्सप्रेस किया। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने अभी पीछे क्या किया था कि जो 2 बारी जो सेम नंबर आ रहा है उसको हम सिंगल काउंट करेंगे। ओके, अब ये देखो 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो 3 है वो 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम, और ये भी 1 टाइम। सो 3
थ्री ज़ा नाइन एंड नाइन थ्री ज़ा 27। सो अगर हम 27 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 729। आप चेक भी कर सकते हो, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 729। सो 729 का स्क्वायर रूट क्या है 27। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 400। अब हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब 400 है, 400 किसके टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 पे एंड 00 एज इट इज। अब 200 फिर 2 की टेबल में आएगा, कब आएगा 2 की टेबल में 2 आता है 1 पे एंड 00 एज इट इज। अब 100 फिर 2 की टेबल में आएगा, कब आएगा 2 की टेबल में 10 कब आता है 5 पे एंड 0 एज इट इज। ओके, अब फिर ये 50 जो है 2 की टेबल में आएगा, कब आएगा, देखो 2 टू ज़ा होता है 4, फाइव माइनस फोर करेंगे तो वन बचा, वन जीरो टेन हो गया, टेन कब आता है फाइव पे। हमने क्या करना है कि जो हम डिवाइड करते हैं उसे हम मन में करेंगे। अब 25 कब आता है फाइव पे, कि टेबल में आता है फाइव पे और हो गया वन, लास्ट में आ गया वन। अब हम जो नंबर टू टू टाइम्स है उसे हम सिंगल टाइम जो है काउंट करते हैं, देखो टू टू के पेयर्स बना लिए हम। ओके, अब इसे सिंगल काउंट करते हैं, टू टू और ये हो गया फाइव। सो टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 20। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 400 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 20। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 1764। अब 1764, अब यहाँ पे वंस पे क्या है 4 है, तो ये 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में अभी आएगा 882 पे। आप डिवाइड भी कर सकते हो या ओरली भी कर सकते हो। अभी फिर 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में 8 आता है 4, 8 आता है 4, 2 आता है 1 पे। अब 441 हो गया, अब ये लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 जो है, ये जो 1s पे है ये 1 है, ये 1 जो है किस नंबर में और किस टेबल पे आता है, ये आता है 21। अब 21 किस टेबल पे आता है 3 के। सो हम जो है 441 को जो है 3 की टेबल से डिवाइड करें तो 3 की टेबल पे ये आएगा 147 पे। अब फिर हम अगर 3 से टेबल से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 49 पे। अब 49 किसके टेबल में आता है 7 पे, 7 पे आता है, 7 7 की टेबल पे आएगा 1। अब हम पेयर्स बना लेते हैं, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 7 का हो गया। सो 2 वन टाइम, 3 वन टाइम, 7 वन टाइम। सो 2 थ्री ज़ा 6 एंड 6 सेवन ज़ा 42। ओके, सो 1764 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 42। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 4096। अब यहाँ पे 6 है वन डिजिट पे, 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में कब आएगा 2048 पे। अब ये फिर 2 की टेबल में आएगा, कब आएगा 1024। अभी फिर 2 की टेबल में आएगा, देखो 10 आता है 5 पे, 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे। फिर ये 512 है, 2 की टेबल में आएगा, कब आएगा 256 पे। फिर ये 2 की टेबल में आएगा, कब आएगा 128 पे। फिर ये 2 की टेबल पे आएगा, कब आएगा 12 आता है 6 पे, 8 आता है 4 पे। फिर ये 2 की टेबल में आ रहा है 32 पे। फिर ये 2 की टेबल में आ रहा है 16 पे। फिर ये 2 की टेबल पे आ रहा है 16 कब आता है 8 पे। फिर ये 2 की टेबल में ये आ रहा है 4 पे 2। अब फिर ये 2 की टेबल में 4 कब आएगा 2 पे 2 एंड 1। अब हम जो है पेयर्स बना लेंगे, देखो 2 का पेयर हो गया 2 का 2 का 2 का 2 का एंड ये एक पेयर हो। ओके, सो 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा हो गया 64। सो 4096 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 64। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 7744। अब यहाँ पे भी वंस डिजिट पे क्या है 4 है, सो ये 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में किस पे आएगा 3872।
फिर यहाँ पे टू है तो ये आएगा टू की टेबल में किस पे आएगा 1936। अब यहाँ पे सिक्स है तो ये फिर टू की टेबल में आएगा कब आएगा 968। अब यहाँ पे एट है ये टू की टेबल में आएगा कब आएगा 484। फिर फोर है तो ये टू की टेबल में आएगा कब आएगा 242। फिर ये टू की टेबल में आएगा ये आएगा 121। अब देखो ये अगर इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 11 11। सो ये 11 के टेबल में आएगा 121 कब आएगा 11 पे और 11 ये हो गया 1। अब हम पेयर्स बना लेते हैं टू का टू का टू का और ये हो गया 11 का। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 एंड 11 2 2 4 4 2 8 and 8 11 88। सो 7744 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 88। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 9604। सो 9604 यहाँ पे वंस डिजिट पे क्या है 4 है सो ये 2 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में कब आएगा 4802। फिर 2 है तो 2 की टेबल में आएगा कब आएगा 2401। ओके अब आप यहाँ देखो यहाँ पे 1 है या तो ये 1 जो है 21 का हो सकता है 3 की टेबल का या 21 आता है 7 की टेबल में। अगर 3 से देखें तो 3 की टेबल से ये जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो 7 की टेबल से ये जो है डिवाइड होगा कम्प्लीटली एंड आएगा किस पे 343। अब 343 फिर 7 के टेबल में आएगा क्योंकि 7 का भी तो पेयर होगा ना। सो कब आएगा 49 पे एंड 49 7 के टेबल पे आ रहा है कब आ रहा है 7 पे 7 एंड 1। अब हम पेयर्स बना लेंगे हो गया 2 का 7 एंड 7। मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 2 7 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा क्या हो गया 98। सो 9604 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 98। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो स्क्वायर रूट है वो नंबर से क्या है स्मॉलर है। सो जब भी आप अगर रूट बात करेंगे तो रूट मतलब कि छोटा उससे। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 5929। अब यहाँ पे वंस डिजिट पे है 9 9 या तो 3 की टेबल में आ रहा है बट अगर हम डिवाइड करके देखें 5929 को ओरली तो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ये 9 जो है 49 आता है किस टेबल में 7 में। यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है तो हम 7 की टेबल से अगर डिवाइड करके देखें तो ये कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो रहा है। तो 7 की टेबल में 5929 का बारह है 847 पे। अभी यहाँ पे 7 है लास्ट में तो ये 7 की टेबल में आएगा कब आएगा 121 पे। 121 किस पे आता है 11 पे 11 11 एंड 1। सो हम पेयर्स बना लेते हैं 7 एंड 11 का। सो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये हो गया 77। सो 5929 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 77। ये जो मैंने लिखा कि 7 के टेबल में आ रहा है 11 के टेबल में आ रहा है ये जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे आपको जो है इजीली जो है माइंड में जो है क्लिक होने लग जाएगा कि अच्छा ये इसके टेबल में आ रहा है ये इस टेबल में आ रहा है। या फिर आप जो है वंस डिजिट जो है देख सकते हो कि ऐसा ये जो डिजिट है ये किसकी टेबल में आती है ये आती है 3 की टेबल में। या फिर मैंने देखा जैसे 49 आता है 7 की टेबल में इसमें लास्ट में जो है वंस आता है तो इससे भी आप जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। हर एक टेबल से करना इजी नहीं है तो इससे वंस डिजिट से हमें जो है एक आइडिया हो जाता है कि इस टेबल में आएगा इस टेबल में नहीं आएगा। बाकी आप जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उससे बहुत इजीली आपके जो है माइंड में जल्दी जल्दी जो है क्लिक करने लग जाएगा कि ये इस टेबल में आएगा इस टेबल में नहीं आएगा। Okay, I hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like, share, comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.